हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन एक चतुर्थांश का लेसन मैंने आपको करा दिया था, हाफ। अभी आगे का हम हाफ जो चैप्टर बाकी है वो करते हैं। डम्प बहुत मतलब नटखट और शैतान बच्चा था। वो बहुत इतनी मस्ती करता था कि एक दिन उसकी पाली मौसी उसकी शरारतों से तंग आ जाती है और उसे चहर दीवारी पर पुताई करने का काम सौंप देती है। पर उसे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा मौसम है और मैं इसको ऐसे ही पुताई करते हुए बिताऊंगा। तो वो ये सोच के अपने सब दोस्तों से ऐसे चतुराई और समझदारी से वो अपना काम करवा लेता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मार्क ट्वेन की लिखी हुई है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। और सब बच्चों को तो वो ऐसे एटमॉस्फेयर मतलब क्रिएट करता है कि ये पुताई करना तो बहुत अच्छा काम है और उसमें तो बड़ा मज़ा आता है। तो सब बच्चे ऐसे इंटरेस्ट से वो पुताई करने के काम में लग जाते हैं और सब टॉम को अपनी मनपसंद चीज़ें भी देते हैं। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। जो बेन रोगस नाम का लड़का था उसको वो ये कहता है कि इसे ये थोड़ी ना काम होता है, ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो बड़ा मजा आता है। ऐसे करके कि अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो फिर पाली मौसी तो डांटेगी। तो बेन रोगस उसे कहता है कि टॉम, मुझे दो में ठीक से एकदम पुताई करूँगा। और उसे अपना सेब भी देने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब टॉम को अपनी मनपसंद चीज़ें भी मिल जाती है और उसे पुताई भी नहीं करनी पड़ती। उसके दोस्त बड़े खुश होकर एकदम ठीक से ये पुताई करने लगते हैं। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया और बेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया। बेन रोगस नाम का जो लड़का होता है वो टॉम तो बस वहाँ पे सामने बैठ जाता है और वो देखने लगता है कि सब कैसे पुताई करते हैं। वो तो आराम से बैठ जाता है और वो अपना ब्रश छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चहर दीवारी जगमगाएगी, चहर दीवारी खिलेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसलिए एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते। अगर फिर बेन रोगस ने मतलब जब वो ब्रश छोड़ दिया तो और भी बच्चे आकर पुताई करने के काम में लग जाते हैं और इतनी सफाई से वो पुताई करता और वो सामने बैठे बैठे सब इंस्ट्रक्शन देता रहता कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो ठीक से पुताई होगी। मतलब वो सबका सुपरविजन करता था सामने बैठकर और सबको ऐसे ऐसे करो करके सूचना देता रहता। और सब बच्चे को ऐसा लगता था कि अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो अगर हमारे हाथ से ब्रश छीन जाएगा, इसलिए सब बच्चे मन लगा कर पुताई करने लगे। यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपनी प्रिय चीज़ देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चाक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीले सीसी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। मतलब जो जो बच्चे उनसे अनुमति लेता, उनसे परमिशन लेता, तो वो
सब उनकी मनपसंद चीज़ें भी उसे देखकर चाहता कि बच्चों को तो ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद होती है ना कि वैसे उसकी कीमत नहीं होती पर बच्चों के लिए उसकी कीमत ज़्यादा होती है। क्या वो उसकी मनपसंद चीज़ें टॉम को देखकर चाहता टॉम के पास चाक के टुकड़े मतलब जो चौक हम लिखते हैं कांच की चूड़ियाँ जो बेंगल्स की होती है चाकू का हैंडल मतलब जो नाइफ होती है उसका हैंडल फिर कुत्ते का पट्टा वो नीली सीसी का टुकड़ा ग्रीन जैसा होता है अगर उससे सब देखा जाए तो सब कुछ हमें ग्रीन दिखता है। तो वो ऐसी ऐसी सब बहुमूल्य चीज़ों का उतना ढेर उसके पास लग गया था कि उसको तो ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी हूँ मतलब मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ उसे तो ऐसा ही लगता था। और वो सामने बैठा सबको आराम से बैठा था सबको सूचना दे रहा था ऐसे करो वो करो ये करो और सब पुताई भी करते और सब अपनी चीज़ भी उसको देकर छाते। कुछ ही दिन में चहारदीवारी पर तीन तीन बार पुताई हो गई और चहारदीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। आपको पता होगा कि ये कलर जो होता है एक बार से नहीं होता है दो तीन बार करना पड़ता है तभी जा कर के ये एकदम ठीक से कलर हो जाता है पुताई हो जाती है। तो थोड़ी देर में तो सब बच्चों ने मिलकर इतनी अच्छे से पुताई की कि चहारदीवारी तो एकदम जगमगाने लगी। अब टॉम की खुशी का भला क्या ठिकाना था। वह दौड़ा दौड़ा पाली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला अब तो मैं खेलने जाऊँ ना मौसी। वो मौसी के पास जाता है उसको तो ऐसा लग रहा था कि मौसी ने मुझे जो काम सौंपा था वो तो मैंने बड़ी ठीक से करवा लिया। तो मौसी को वो पूछने जाता है कि अब तो मैं खेलने जाऊँ ना अरे अभी से पहले पुताई तो पूरी करो मौसी ने कहा। फिर पूछा अच्छा बताओ अब तक तुमने कितनी पुताई की। उनकी मौसी को तो ये लगता था कि अभी तो उसने थोड़ी ही पुताई की होगी तो उसको ये पूछते हैं कि आपने तुमने कितनी पुताई की है अभी तो थोड़ी ही की होगी। टॉम विजय गर्व से भर कर बोला पूरी चहारदीवारी की पुताई हो गई है मौसी। मौसी पूरी चहारदीवारी एकदम अच्छे से पुत गई वो पूरी पुताई हो गई है। क्या झूठ बोलता है रे टॉम। मौसी ने गुस्से से आंख तरेड़ कर उसकी ओर देखा। मौसी ने गुस्से से उनकी ओर देखा कि तू बेटा क्यों झूठ बोलता है तू कभी इतनी देर में इतनी पुताई थोड़ी ना हो जाती है। उसकी मौसी को तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतने समय में इसने कैसे पुताई कर ली होगी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी सच कह रहा हूँ सचमुच पूरी चहारदीवारी पुत गई है। मतलब उसने बोला कि ये झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं सच ही बोल रहा हूँ कि सचमुच चहारदीवारी की पुताई हो गई है। और जब पाली मौसी चहारदीवारी देखने गई तो उसकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई। सचमुच पूरी चहारदीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। जब मौसी वो चहारदीवारी ठीक से हुई कि नहीं वो देखने के लिए जाते हैं तो उनकी ये चहारदीवारी एकदम अच्छे से पुत गई होती है वो देखकर उनकी आँखें तो ऐसे खुली की खुली रह जाती मतलब आश्चर्य से भर जाती कि अरे ये तो इतने अच्छे से चहारदीवारी टॉम ने पूरी कर ली। देखकर पाली मौसी की आँखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। लाड से भरकर बोली अरे वाह टॉम मैंने तो सोचा भी नहीं था तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर लिया और वह भी इतनी सफाई से सचमुच मुझे आश्चर्य है।
उनकी मौसी को तो ये बहुत आश्चर्य लगता है कि टॉम ने इतनी अच्छे से यहाँ पे चहर दीवारी पूछ ली और इतने अच्छे से पूछ ली कि इतने टाइम में, तो उनको तो बहुत आश्चर्य हुआ। और टॉम के लिए उनके दिल में इतना प्यार आ गया कि उसने ऐसा लगा कि वाह, ये बच्चा तो बहुत अच्छे से काम करता है। कुछ देर बाद पाली मौसी बोली, अच्छा टॉम अब तुम जाओ, दोस्तों दोस्तों के बीच खेल कूदाओ। माँ मौसी वगैरह ऐसे होते हैं ना कि अभी बच्चों को कि चलो अभी तुमने पढ़ लिया है तुम खेलने जाओ, अभी तुमने ये काम कर लिया है तो तुम खेलने जाओ। तो पाली मौसी उसे कहती है कि हाँ बेटा अभी तुम खेलने जा सकते हो, अपने दोस्तों के बीच जाओ और खेल कर आओ। पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया, एक बेन रॉगर्स ने दिया था, फिर पाली मौसी ने भी उनको एक सेब भी दिया और सब दोस्तों ने उसे उनकी मनपसंद चीज़ें भी दी और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। पाली मौसी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे से पोताई भी कर ली बच्चे ने, तो उसे खुश होकर, उसकी काम से खुश होकर पाली मौसी ने उसे एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, मतलब उसकी पीठ थपथपाई, वो बड़े खुश हो गए। मजे से सेब को कुतरता हुआ टॉम घर से निकल पड़ा। टॉम सेब को खाता हुआ, दांत से खाता हुआ वो घर से निकल पड़ा। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन तो कितना अच्छा है, अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। उसने ऐसा सोचा कि पुताई भी ठीक ठीक से कर ली, मौसी ने मुझे सेब भी दिया, मेरे पास दो सेब भी हो गए और मुझे खेलने के लिए भी वक्त मिल गया, मतलब कोई अगर चाहे तो वो अपनी चतुराई से दूसरों से कैसे काम करवा सकता है। वो बड़ा खुश हो गया। ये मार्क ट्वेन का लिखा हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। संदेश, जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किलों को भी आसान किया जा सकता है, मतलब कोई भी मुश्किल हो, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी हो कोई भी काम में, तो हम ये चतुराई और समझदारी से वो ठीक से कर सकते हैं और वो मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। चलिए अभी आगे शब्दार्थ पढ़ते हैं। सहानुभूति मतलब हमदर्दी। अगर कुछ कोई ऐसे कहते कि इसको इतनी तकलीफ है तो हम कैसे उसको सहानुभूति दिखाते, हमदर्दी दिखाते। चतुर मतलब होशियार, चालाक, वो तो आपको पता हो गया होगा अभी ये लेसन के बाद कि बड़ी होशियारी और चालाकी जो होती है चतुराई कहा जाता है। आश्चर्य, हैरानी। मौसी को जब ये पता चलता है कि इसने तो इतने थोड़े ही समय में इतने अच्छे से पुताई कर ली, तो उसको आश्चर्य हो जाता है। अनुमति मतलब आज्ञा। हमें कहीं पे भी जाना होता है तो हम कैसे बड़ों से अनुमति लेते हैं, वो होते हैं अनुमति। विनम्रता, विनम्र भाव, नरमी, ये बहुत जरूरी बात है। अगर कोई भी बात विनम्रता से, शांति से, प्यार से हम बोलते हैं, वो होती है विनम्रता। हासिल मतलब पाना, कभी कुछ हासिल कर लेना, पा लेना। बहुमूल्य मतलब कीमती, जिसकी बहुत कीमत होती है। गुनगुनी मतलब हल्की हल्की गर्माई देने वाले, जब ये बहुत ये अर्ली मॉर्निंग की जो सुबह जब ये अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो कैसी गुनगुनी होती है, थोड़ी 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 हल्की नरमी देती है, हल्की गर्मी देती है, वो होती है गुनगुनी। उल्लास मतलब खुशी। निरीक्षण मतलब देख रेख करना, सुपरविजन करना, और कोई काम करता है उसके ऊपर नजर रखना। मनोहार मनाने का बल, अगर किसी को
मना सकते हैं हम कुछ भी बोल के या ऐसे कोई भी अपने वर्तन से, तो वो होता है मनोहार, कि मनोहार करते हुए बोला। अब ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब ये सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन ही हमें करने हैं, वो हमें लिखना नहीं है। एक क्वेश्चन आंसर है, वो अभी मैं बाद में आपको समझाऊंगी। ये पहले ये एमसीक्यू तक हम कर लेते हैं। चतुराई, छिमा, उम्मीद, ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं। मनोहार और आश्चर्य लिखने में भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ये किसने किससे कहा, मतलब हु टोल्ड होम, ये सही के उत्तर में सही का निशान लगाना है। अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। वो टॉम ने जिम से, उनका जो नौकर था वो जिम पानी लेने के लिए जा रहा था, तो टॉम उसे क्या कहता है कि खुद जो मतलब सरल काम होता है वो खुद करने के लिए तैयार हो जाता है। और टॉम का वो टॉम जिम से कहता है कि मैं पानी ला कर देता हूँ और तुम पुताई कर लो, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा। बेंडोगस का नाम का जो लड़का है वो टॉम को कहता है, तुम जब उसे कहता है कि ये ठीक से पुताई नहीं होगी, तुम पालीमो से डांटेगी, तो वो उसे कहता है कि मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा। वो बेन है, वो टॉम से कहता है। टॉम किसके पास रहता था, माँ मौसी की मामी टॉम है, वो मौसी के पास रहता अपनी पाली मौसी के पास, वो मैंने अभी आपको समझा दिया था लेसन के टाइम। टॉम कैसा बच्चा था, मूर्ख नहीं था, नटखट और बहादुर बच्चा था, डरपोक और कमजोर भी नहीं था, वो नटखट और बहादुर बच्चा था। ये यहाँ तक आपको कर लेना है, वो क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के एक्सरसाइज की पीडीएफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। और मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब क्लास वर्क एकदम ठीक से कंप्लीट करेंगे, और जब भी ये स्कूल चालू होगी तभी हम चेक भी करेंगे, और ये थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी जाना। अभी जब FFO शुरू होगी तब आपको ये सब ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।